हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं लेके आया हूँ वो है अपने पास रिव्यू अपना थार पेट्रोल 4x4। शशांक भाई की ये गाड़ी होने वाली है, तो मैं इसका आपको रिव्यू करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले शशांक भाई से मिलवाता हूँ आपको। शशांक भाई की ये गाड़ी है। तो शशांक भाई, आपको अब तक कितना साल हो गया, मतलब कितना टाइम हो गया इसकी गाड़ी को परचेस किए हुए? इसको 7 को 1 साल हो जाएगा, मतलब अप्रोक्स 1 साल इसको हो चुका है। तो अब तक आपको गाड़ी में क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ इसमें बुरी लगी? अच्छा लगी शो के लिए, गाड़ी देखा जाए ना तो बेसिकली शो के लिए, बेसिकली फैमिली कार नहीं है। तो गाइस, जो तो आप सबको ही पता है कि थार जो बेसिकली 2 सीटर है, मतलब वैसे कहने के लिए 4 सीटर है, बट वैसे ये 2 सीटर ही है अगर प्रैक्टिकल वे में इसको देखा जाए। और शशांक भाई, इसकी कुछ ऐसी जो कमी जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हो कि भाई हाँ, इस थार में आप लोगों को तो ये आपको फेस करना ही पड़ेगा? कमी ऐसा मेरे को इसमें कोई लगी नहीं है, एक साल हो गया। बट इसमें ये है कि जैसे बड़े होते हैं घर पे तो पीछे बैठने में ना दिक्कत होती है, उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है। पीछे का तो हमें पता ही है कि बेसिकली ये प्रैक्टिकली 4 सीटर कार नहीं है। और दूसरी जो इसमें एक इशू जो मुझे सबने बताया है वो है इसका बॉडी रोल का। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस, बॉडी रोल आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छे खासा मिलने वाला है। तो और शशांक, कुछ इस गाड़ी के बारे में कुछ बताना चाहो? और इसमें फ्लॉज लगते नहीं है, और कुछ फ्लॉज लगते नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रंट लुक की। तो फ्रंट में सबसे आप पहले देखेंगे आपको मिल जाएगा ग्रिल। ग्रिल की बात करूँ तो आपको प्लास्टिक में मिलने वाला है, यहाँ से एयर इनटेक के लिए मिल जाएगा। और एयर इनटेक की बात करें तो बहुत एम्पल स्पेस है। और आप फिर बात करते हैं हेडलैम्प्स की। हेडलैम्प्स की बात करें तो आप ये देखेंगे आफ्टर मार्केट है, और मैं एक बार आपको ये जला के भी दिखाऊंगा, बट वीडियो के एंड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको रिंग लाइट मिल जाएगी, ये इसकी हेडलाइट्स हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। और मैं अगर फ्रंट बम्पर की ये पूरी बात करूँ तो ये भी आपको पूरा प्लास्टिक में ही मिलने वाला है। ऐसा कोई आपको ये नहीं कि मतलब आपको ये स्टील में या किसी उसमें मिलने वाला है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे बात करते हैं हेडलैम्प्स की। तो ये आपको फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे, फॉग लैम्प्स आपको नीचे को देखने मिल जाएंगे। तो ये है कुछ गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। और नो डाउट थार तो यार आप लोगों को पता ही है ऑफ रोडर है, और ये वाला जो मॉडल है अपना 4x4 है। अब मैं बात करता हूँ इसकी साइड कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले आता हूँ मैं इसके अलॉय व्हील्स पे। ये वाले जो अलॉय व्हील्स हैं ये बिल्कुल कंपनी फिटेड हैं। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये मिलने वाले हैं अपन लोगों को, कांगे हम ढूंढते हैं इसको। ये जो अपन लोगों को मिलने वाला है टायर प्रोफाइल, ये मिलने वाला है 255/65R18। तो 18 इंचिस के आपको ये अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। और भाई साहब, बहुत ही प्यारे आपको अलॉय व्हील्स दिखने के लिए मिल जाएंगे। थार की आपको बैजिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके साइड के रेयर व्यू मिरर की, तो ये आप देखेंगे आपको रिट्रैक्टेबल नहीं मिलने वाले, बस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाएगा चढ़ने के लिए, कुछ इस तरीके से इसकी साइड प्रोफाइल। और मैं अगर गाड़ी के डायमेंशंस की बात करूँ तो 3.9 मीटर की आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है, 1.8 मीटर की आपको इसमें विड्थ मिलने वाली है, और 1.8 मीटर की ही इसको आपको हाइट मिलने वाली है। तो ये जो इसका इंजन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी की प्रोफाइल हो जाती है। मैनुअली आपको ये खोलने के लिए मिल जाएगा। और मैं आता हूँ थोड़ा पीछे, तो अगर यहाँ पे 4x4 की आपको बैजिंग मिल जाएगी। और ये है कुछ गाड़ी का पीछे से लुक, बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया गाड़ी लग रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी टेल लैम्प्स की, तो टेल लैम्प्स में अगेन आपको कोई भी एलईडी ऑप्शन नहीं मिलने वाला, आपको नॉर्मल इसमें बल्ब मिलने वाले हैं इंडिकेटर और बैकलाइट के लिए भी। और नीचे अगेन आपको स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। स्टॉप लैम्प में भी ये वर्किंग है, ऐसा नहीं कि वर्किंग नहीं है। गाड़ी में आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, और ये आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोफाइल है। अगेन मैं अगर इसके स्पेयर टायर की बात करूँ तो जो इसका स्पेयर टायर है बिल्कुल सेम ही है, R18, मतलब कोई भी इसमें स्पेस सेवर आपको टायर नहीं मिलने वाला। तो चलो एक बार मैं आपको वैसे इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। तो यार, बूट स्पेस आपको पता ही है, और इसमें बिल्कुल ना के बराबर ही है, मुश्किल से 100-200 लीटर होगा। और ये आपको पता है कि ये इसका जो ग्लास वाला पोर्शन है वो सेपरेट है इसकी ओपनिंग से। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये उनका शीशा टूट जाता है, क्यों गलत तरीके से वो गाड़ी खोलते हैं। बाकी इस तरीके से इसका कुछ है पीछे का व्यू, कुछ इस तरीके से है गाड़ी की प्रोफाइल। तो साइड से मैं आपको एक बार गाड़ी पूरी दिखा देता हूँ, पीछे से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपनी गाड़ी में होने वाली है। और एक बार मैं बात करते हैं इसके इंजन की, और फिर मैं बताता हूँ आपको इसके इंजन की कॉन्फ़िगरेशन। तो अब बात करते हैं इसके इंजन प्रोफाइल की। तो यहाँ से आप देखेंगे मैनुअली आपको क्लिप्स मिल जाएंगे। क्लिप्स खोलने के बाद आपको अंदर से गाड़ी खोलनी पड़ती है। एक बार मैं बोनट नहीं उठा सकता तो मैं हेल्प कर आता हूँ, और हमने इसका हुड खोल लिया है। अब कुछ इस तरीके से आपको इसका इंजन मिल जाएगा। और मैं अगर इसके इंजन की प्रोफाइल की बात करूँ तो ये आप कुछ इस तरीके से इंजन है। पहले आप इंजन देख लीजिए,
अगेन आपको यहाँ पे इसका पूरा कवर मिल जाएगा, मतलब ये प्लास्टिक का ही है वैसे तो। एमरॉन की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी, और ये जो इंजन है ये जो पावर जनरेट करता है वो 150 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 न्यूटन मीटर इसका आपको टॉर्क मिल जाएगा। अगेन ऊपर आपको कोई भी नॉइस कैंसिलेशन के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो कुछ है इस तरीके से है इसकी ये प्रोफाइल। और अगर मैं इसकी सीसी की बात करूँ तो 2000 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। तो चलो करते हैं हुड को बंद और मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी की, कुछ इस तरीके से आपको इसकी फ्लिप की मिलने वाली है। तो एज यूजुअल थार महिंद्रा मतलब आपको देगी है बिल्कुल मैनुअल की मिलेगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ डोर को ओपन, और सबसे पहले बात करते हैं मैं इसकी डोर प्रोफाइल की। तो डोर प्रोफाइल में आपको ये अगेन इस पर कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलने वाली। अगेन नॉर्मल सा आपको लॉक अनलॉक के लिए बटन मिलने वाला है। ये आपको साइड के जो मिरर्स हैं ये एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल नहीं है, पूरा हार्ड प्लास्टिक आपको इसमें मिलने वाला है। कप होल्डर और ग्लास होल्डर की आपको जगह मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ स्पेस की बात करूँ तो आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलने वाली। कुछ इस तरीके से इसका आपको मिलने वाला है डोर प्रोफाइल। और फिर बात करते हैं हम सीट की, तो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से इसकी सीट है। तो अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर और आपको दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को करता हूँ ऑन, कुछ इस तरीके से करते हैं हम गाड़ी को ऑन। तो ये कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कुछ इस तरीके से ये अपनी गाड़ी है, और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील में अगर बात करें तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। बट जो ये पावर स्टीयरिंग आपको जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है आपको हाइड्रोलिक, पूरा पावर नहीं मिलने वाला। स्टीयरिंग में बात करें इसमें आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे, दो इसमें आपको एयरबैग मिलने वाले हैं, और यहाँ पे ऑडियो माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं इसकी MID की, तो MID में ये आपको एनालॉग मिलने वाला है, बीच का आपको मिलने वाला है डिजिटल, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है अगेन एनालॉग मिलने वाला है। राइट साइड जाए तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे हेडलैम्प्स के, और इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, वाइपर्स के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, और कुछ इस तरीके से आपको इसका स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं चारों पावर, मतलब चारों आपको AC के वेंट्स मिल जाएंगे। ये आपको स्क्रीन मिल जाएगी, जो स्क्रीन मुझे लग रही है ये अप्रॉक्स 8 to 9 inches की आपको इसमें टच स्क्रीन मिलने वाली है। और टच की बात करूँ तो मतलब स्मूथ है, बट देखते थोड़ा सा तो ये आपको मतलब इसमें सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको इसकी स्क्रीन मिल जाएगी, और स्मूथ ही है, मतलब मुझे ऐसा तो कुछ ज़्यादा लग नहीं रही कि मुझे ज़्यादा कुछ वो लग रहा हो। यहाँ से वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आए तो आप देखेंगे यहाँ पे होम का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे कैमरे के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और कॉल का, ये कॉल ड्रॉप और पिकअप का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और व्हीकल का जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। और ये कुछ होंगे स्टार्स, यार मुझे पूरी तरीके से गाड़ी के बारे में नहीं पता है। वेंट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लोवर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, और अपनी जो विंड ब्लोअर की एडजस्टमेंट के आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फैन स्पीड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रेयर और फ्रंट का डिफॉगर आपको मिल जाएगा। अभी आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और जितने भी हैं, यहाँ पे आपको सीट बेल्ट वार्निंग, हजार्डियस लाइट्स के ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ देखेंगे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, टाइप सी आपको केबल मिल जाएगी, टाइप सी नहीं USB ही आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिल जाएगा, अगेन जैसे मैंने आपको बताया है तो 4x4 है, तो यहाँ से आप मैनुअली 4x4 लगा सकते हो। ट्रांसमिशन की बात करो तो 7 ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलने वाला है, 6 forward 1 reverse। और यहाँ पे अगर आपको मिलने वाले हैं इसके पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, 2 cup holder ग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, और अगेन ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलने वाला, अगेन आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए मतलब आपको मिल जाएगा। ग्लव डिपार्टमेंट की बात करूँ बहुत छोटा सा आपको ग्लव डिपार्टमेंट मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ आपको महिंद्रा की जो भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का आपको मिल जाएगा, शायद इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है, सीरियल नंबर और मॉडल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगेन थार की आपको यहाँ पे फिर बैजिंग मिल जाएगी, तो मतलब मुझे लग रहा है थार ने बैजिंग के मामले में खूब दबा के इसमें बैजिंग कर रखी है। और ये आप देखेंगे तो ये आपको रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, और ये जैसे मैंने बताया हार्ड टॉप है, कन्वर्टेबल नहीं है, और कुछ इस तरीके से बस। इसमें और कुछ तो मुझे दिखाने का है नहीं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पीछे का। पीछे जाने के लिए हमें जाना पड़ता है साइड सीट्स को टंबल करके, तो मैं आपको एक बार पैसे पीछे जाके दिखाता हूँ पीछे इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो पीछे जाने के लिए आपको वही अगेन आपको सीट टंबल करनी पड़ेगी, यहाँ आपको लीवर मिल जाएगा, यहाँ से आप जा सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पीछे घुसना,
और अगर मैं एक बार पीछे बैठ जाऊं तो अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यार मतलब इतनी स्पेस नहीं है इसमें। और पीछे अगर आपको ये देखेंगे, ये हेडरेस्ट है, ये आफ्टर मार्केट लगवाया है, कंपनी नहीं देती। अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, पावर सॉकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, दो कप होल्डर आपको मिल जाएंगे और कुछ इस तरीके से है अपनी गाड़ी की प्रोफाइल। अगेन यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये है गाड़ी की प्रोफाइल। और जो मैंने इसमें आपको बूट नहीं दिखाया वो एक बार मैं पीछे से दिखा देता हूँ। क्यों मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि गाड़ी में बूट है ही नहीं। मुश्किल से 100-200 लीटर का मुश्किल से इसमें बूट स्पेस मिलने वाला है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में।